सीआरपीएफ में तैनात जवान की दिल्ली में मौत के बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बेलीपार क्षेत्र स्थित कसिहार लाया गया। शव के पहुंचते ही परिजन लिपटकर रोने लगे और परिवार में कोहराम मच गया। सेना की टुकड़ी द्वारा सलामी के बाद सैनिक सम्मान और स्थानीय परंपरा में से उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के मलाव चांद घाट पर किया गया। आपको बता दें कि बेलीपार क्षेत्र के कसिहार निवासी सीआरपीएफ जवान 38 वर्षीय मनीष तिवारी पुत्र स्वर्गीय राम सूरत त्रिपाठी की 30 अक्टूबर को दिल्ली में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान निधन हो गया था। वो डायरेक्टरेट में सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल पीएन राय, कपिल सिंह, मुकेश कुमार, कांस्टेबल राम प्रवेश यादव, मुन्ना लाल प्रभाकर उपाध्याय, आशीष सिंह, अभिनंदन सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह ने अशोक धुन के साथ शस्त्र झुकाकर दी अंतिम सलामी। इस दौरान मनीष तिवारी के बड़े भाई झारखंड में सीआरपीएफ हवलदार मनोज त्रिपाठी, गोरखपुर भाईचारा समिति के अध्यक्ष सीआरपीएफ से रिटायर्ड नरेंद्र कुमार, जितेंद्र यादव, इंद्र विजय सिंह, प्रमोद गुप्ता, संतोष यादव, अशोक चौहान, वरुण सिंह सहित जन समूह में लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मनीष तिवारी राष्ट्रीय वीरता पदक से सम्मानित थे।